नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वयंवर इन जज। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आज का होस्ट। लेकर आया हूँ आप सभी के बीच एक अनोखा प्रोग्राम स्वयंवर इन जज। मैं आप सभी का स्वागत है। तो लीजिए, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम बुलाते हैं इस गांव के एकमात्र कर्णधार और हमारे खास मेहमान ठाकुर रतन सिंह जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ठाकुर रतन सिंह जी का। तालियां। तो अब हम आते हैं सीधे प्रोग्राम पर। दोस्तों, आप सभी ने सतयुग में राम और सीता का स्वयंवर सुना होगा और हाँ, कलयुग में राखी का भी स्वयंवर देखा होगा। लेकिन आज इस स्वयंवर में आपको दिखेंगे ठाकुर रतन सिंह जी के भांजे, भतीजे और लकी ड्रॉ के विजेता। तो देखते हैं कौन बनता है इस प्रतियुद्ध का विजेता और कौन करता है अपनी मेहनत और सूझबूझ से ठाकुर रतन सिंह जी को इंप्रेस, क्योंकि विजेता की घोषणा करेंगे स्वयं ठाकुर रतन सिंह जी। तो लीजिए, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरे आप सभी महानुभावों से एक विनती है कि जिन भी महानुभावों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑन कर लिए को प्लीज उन्हें स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट मोड पर रख दे, क्योंकि आपके फोन की हल्की सी आवाज हमारे प्रोग्राम में बाधा बन सकती है। तो पेश है हमारा आज का प्रोग्राम स्वयंवर इन जज। उम्मीदवारों को बुलाने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बुलाते हैं हमारे आज के पहले उम्मीदवार चॉकलेटी। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेटी बना को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चॉकलेटी बना का। तालियां। अरे चॉकलेटी बना आए नहीं। ब्राइट अंकल, अंकल मेरी शादी कराओ ना। करवाते हैं शादी, लेकिन मैं अंकल नहीं, एंकर हूं भाई। आपकी शादी करवाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देने होंगे हमारे कुछ सवालों के जवाब। तो तैयार हैं आप? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। चलिए ये बताइए कि भारत कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद? सोचिए सोचिए। भारत, यार कल ही तो पढ़ाया था सर ने, क्या था भारत? भारत कब? हाँ, रात में। रात को? हाँ। लेकिन वो कैसे? इस तरह चाबी निकाली होगी, गेट खोला होगा और हो गया आजाद। भाई वाह, बहुत बढ़िया आंसर। दोस्तों, इस आंसर से एक बात तो साफ है कि इनके ब्रेन में दिमाग की बिल्कुल भी कमी नहीं है। चलिए आपसे दूसरा सवाल। आप यदि आप वर के रूम में चुन नहीं जाते हैं तो आप अपनी दुल्हन को रखेंगे कहाँ? अलमारी में। उसको इस तरह उठाऊंगा, थोड़ी भारी है, अलमारी खोलूंगा और रख दूंगा। बहुत बढ़िया आंसर। चलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन मेरी शादी? हाँ, करवाते हैं आपकी शादी, लेकिन आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे चॉकलेटी बना जो अपनी ही दुल्हन को अलमारी में रखने जा रहे थे। तो अगले उम्मीदवार का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तालियां। जी आपका नाम क्या है? मन्ना ना जाने के, मैं ची। ची? अरे ची नहीं, ची अमेरिका से, बोले तो फॉरेन रिटर्न है। ओह, तो ये है हमारे चीची बना भाई, स्वागत है आपका। ये बताइए, मिर्ची खाई होगी आपने? दिल्ली। मिर्ची आंखों के अलावा कहाँ लगती है? अरे गलत मत सोचिए, सही सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक थ्री, टिक टिक सिक्स, टिक टिक नाइन, टिक टिक टेन एंड टाइम्स अप। भाई वेरी सिंपल आंसर, मिर्ची आंखों के अलावा खेतों में लगती है। अच्छा, तो इसने खेत बोल रहे हैं कि? नो नो, आई मीन एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा ये बताइए, आपने जैसा कहा आप अमेरिका से भाई फॉरेन रिटर्न है, तो आप वेयर डू यू लिव इन अमेरिका? लेवर है, लेवर लावर तो ठीक है भाई, माता रानी के पास कोई बुरी आदत को न लगी। भाई आपकी अंग्रेजी तो बहुत बढ़िया है। पूछते हैं आपसे अंग्रेजी का एक और सवाल। विश्व के महान कलाकार
चार्ली चैपलिन, नाम सुना ही होगा आपने। चार्ली चैपलिन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सोचिए, सोचिए। अगर दोस्तों अगर आपको भी हमारे सवाल का जवाब पता है तो कृपया करके ना बता। अरे चार्ली चैपलिन को अंग्रेजी में चार्ली चैपलिन ही कहते हैं भाई। अरे ये तो मैं बोल रहा था, बोलने दिया कर भाई, बोलने दिया कर। सही है सही है। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है, आप वर के रूप में चुन ली जाओगे? फोकस फोकस फोकस। ओह यू मीन ऑफ कोर्स। सही पकड़े। अच्छा ये बताइए आप और क्या क्या कर लेते हैं? मैं झाड़ू मार लेता हूं, पोछा भी मार लेता हूं। आई एम वेरी गुड इन क्लीनिंग, डोंट फॉरगेट मी, आई एम वेरी गुड इन क्लीनिंग। चलिए बढ़िया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे चीची बना, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले उम्मीदवार बिनु बना का, तालियां। बस भाई बस, आप नाचते तो बढ़िया है और नचवाते भी अच्छा है, इसके अलावा आप और क्या कर लेते हैं? मैं तो सिंगर। हाँ सिंगर। सिंगर? हाँ। भाई वाह क्या बात है, आप सिंगर हैं, तो हमारे दर्शकों के सामने कुछ नगमा पेश हो जाए यहाँ के? हाँ हाँ क्यों नहीं। बस 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 बस, बस, बस। अरे हाल तो लाभ लिया, गाना तो बासी यार। आपके सदे हुए सुर तो इस कान से गए और इस कान से निकल गए। कहीं 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 मेरा मतलब आप गाते भी अच्छा है भाई। अच्छा अच्छा तो मैं बचपन से गाऊं, लेकिन कभी घमंड मत करे भाई। अच्छा गाने से आता, एक बात बताइए आपने संगीत की शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? देखो भाई शिक्षा तो मान हमारा बाप से मिली, और रही बात दीक्षा की तो दीक्षा मान पड़ोसी से मिली, लेकिन बात दीक्षा रिक्शा के साथ भागी। मैं आपकी दीक्षा थोड़ी हूँ। चलिए आप अपना स्थान लीजिए, मारो ब्याह लो, ब्याह करवाएंगे आपका, स्थान लीजिए। तो दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले उम्मीदवार अच्छी बना तालियां। कौन है, अंदर कैसे चले आए? यो देख लक्की ड्रॉ द कार्ड। वो तो ठीक है लेकिन लक्की बना गए कहां? ओह लगता है कहीं। चलिए खैर तब तक इन्हीं से बात कर लेते हैं। ओह तो दोस्तों ये हैं हमारे लक्की ड्रॉ के विजेता हैप्पी सिंह भाई, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अच्छा सरदार जी बताइए कि ब्रेन दिमाग के कौन से हिस्से में पाया जाता है, सोचिए। ओ पाजी मिल आया, सोचिए। अरे सरदार जी ब्रेन यहां नहीं, पगड़ी के नीचे होता है, नीचे। ओए सरदार जी पगड़ी के का जोक नहीं। चलिए छोड़िए आपसे दूसरा सवाल ये बताइए कि चलिए छोड़िए आपसे दूसरा सवाल ये बताइए आप अभी इतने छोटे हैं, देख रहे हैं भाई अभी इतने छोटे हैं फिर भी शादी के लिए चले आए, ऐसा क्यों? देख भाई इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं
जो अपनी बच्चियों को पेट में ही मार देते हैं तो मेरा बाल विवाह करने से क्या फर्क पड़ेगा? पर सरदार जी, ये तो अपराध है ना। देख भाई, तू मेरे अंदर का टिकट कटवा दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर का टिकट कटवा दूंगा। चलिए छोड़िए, मेरे को तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। ये बताइए, तुम पंजाबी लोग इतने हॉट क्यों हो? तुम मैं अपनी सनी लियोनी को ही देख लीजिए। अरे मेरा मतलब सनी देओल को ही देख लीजिए भाई। नो इस नो बट ओनली जट। चलिए आप अपना स्थान ले लीजिए। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले उम्मीदवार। जी मेरी भी शादी करवाओ। अब है कौन ये तो बताइए। मैं अक्की बना। अरे अक्की बना, आप गए कहाँ थे, कहाँ पर थे आप? वो 8:10 बाकी थे ना, तो बस। चलिए इधर आइए, इधर आइए। कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, वो नहीं मिले तो तुझे लेकर भाग जाऊंगा। ये अच्छा है, अच्छा है, आपके डेकोरम बनाए रखिए। अबे तेरे डेकोरम की माँ के जय हो। आप सभी माताओं की जय हो। अच्छा ये बताइए भाई, आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? अपने पैसों के पीता हूँ, किसी के बाप भी नहीं पीता, और वैसे भी कुछ दिनों से खांसी बहुत आ रही थी। अच्छा आपको खांसी है फिर भी आप शराब पी रहे? भाई ये तो वही बात हो गई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। भाई शराब पीने से आपकी खांसी थोड़ी ही चली जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, जब शराब पीने से मेरा घर चलेगा, मेरी फैक्ट्रिया चली गई, मेरा होने वाली दो गर्लफ्रेंड चली गई, फिर ये खांसी कैसी है? चलिए ये बताइए, अगर आप वर के रूप में चुन लिए जाते हो तो आप अपनी दुल्हन को रखोगे कहाँ, क्योंकि आपका मकान तो चला गया। मकान की किसे जरूरत है, वो मेरी आइस, मैं उसका सोडा, वो मेरा हस्बैंड, सॉरी मैं उसका हस्बैंड, वो मेरी वाइफ, दोनों मिलकर रहेंगे क्लास में। पुचप ए पुचप ए पुचप। चलिए आप अपना स्थान ले लीजिए भाई। Do you wanna little little? नहीं नहीं, आप अपना स्थान ले लीजिए। तो दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। बुलाते हैं स्वयंवर की एकमात्र दुल्हन। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एकमात्र दुल्हन का। तालियां। Thank you.
जंग जीती नहीं जाती, तुझे जीना होगा बेटा, तुझे जीना होगा। तो तुम ही बताओ काका, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? बेटा ये लोग तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे बेटा। चली जा यहां से, शहर चली जा। नहीं काका, अगर मैं भाग गई तो ये लोग आपको जान से मार डालेंगे। मेरी चिंता ना कर, पर तू अपनी जान बचा, मेरी तो पूरी जिंदगी यही निकल गई। जा बेटा, अपनी जिंदगी जी ले, जा। सुन बेटा, ये कुछ पैसे जो मैंने यहां सभी से छुपा के जमा किए हैं, इन्हें तू रख ले बेटा, तेरे काम आएंगे। नहीं काका, मैं ही नहीं रख सकती। रख ले बेटा, काम आएंगे तुझे मेरी कसम। जा बेटा, जा। सरकार माफ की दी कर दी, सरकार गलती हो गई, सरकार सरकार माफ कर दीजिए सरकार।